नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 38,164 नए मामले, 499 लोगों की मौत। कोरोना संकट के बीच संसद में शुरू हुआ मॉनसून सत्र, पीएम ने विपक्ष से अपील की, कहा धारदार सवाल जरूर पूछे लेकिन सरकार को जवाब देने का मौका जरूर दे। शोपियां में लश्करे तैयबा का टॉप कमांडर इशफाक डार उर्फ अबू अकरम का हुआ खात्मा, मारे गए आतंकी के पास से 2 AK-47 राइफल और 8 मैगजीन मिली। संसद के मॉनसून सत्र में गूंजेगा पेगासस हैकिंग विवाद, कई सदस्यों ने सरकार को दिया नोटिस, राहुल ने भी बनाया घेरने का प्लान। उत्तरकाशी स्थित मांडो गांव में बादल फटने से हुआ बड़ा हादसा, हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 लोग लापता, 3 लोगों की गई जान। संभल में मुरादाबाद आगरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग हुए घायल। रायबरेली में बेखौफ बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, गोली लगने से युवक बुरी तरह घायल, चुनावी रंजिश में हमले की जताई गई आशंका। लखीमपुर खीरी में डीएम ने ईंट भट्टों के मालिकों के खिलाफ चलाया अभियान, अवैध रूप से संचालित हो रहे भट्टों को बंद करने के दिए निर्देश। मैनपुरी में 40 साल पहले हत्या कर फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया, 1978 में जमीनी विवाद के चलते 4 लोगों की हत्या कर हो गया था फरार। सोनभद्र में लाखों की कीमत से बने आरओ प्लांट बने शोपीस, ग्रामीणों का आरोप हैंडपंप का गंदा पानी को हो रहे मजबूर, फैल रही है बीमारियां। नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा बोले, भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद। अफगानिस्तान में भारत के बनाए संस्थानों को पर तालिबान और पाकिस्तानी आतंकियों की बुरी निगाह, आईएसआई ने दिए हमला करने के निर्देश। कोरोना कहर के बीच मंकी बी वायरस की दस्तक, चीन में हो चुकी है 1 मौत। ब्रिटेन में कम नहीं हो रहे कोरोना के मामले, आज से हटाए गए अधिकांश प्रतिबंध, वैज्ञानिकों की चेतावनी। ओपेक ने दी 5 देशों में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की मंजूरी, अगस्त से बढ़ेगा दुनिया भर में प्रोडक्शन। T20 सीरीज में इंग्लैंड ने किया पाकिस्तान से हिसाब बराबर, जोस बटलर ने खेली तूफानी 50। ईशान किशन ने जन्मदिन पर खेली धमाकेदार पारी, पिता बोले अभी और अच्छा करना होगा। शिखर धवन हुए 10,000 क्लब में शामिल, विवियन रिचर्ड्स को पीछे छोड़ हासिल की खास उपलब्धि। इयान चैपल ने की इंग्लैंड व भारत की बेंच स्ट्रेंथ की तारीफ, बोले कोरोना काल में ऑस्ट्रेलिया से बेहतर स्थिति में दोनों टीमें। क्रिकेट में करियर बनाने को लेकर स्टार महिला क्रिकेटर की अहम सलाह, बताया कब शुरू करना चाहिए खेलना। प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे पर निक जोनस का खास पोस्ट, बचपन की फोटो शेयर कर लिखा प्यारा सा कैप्शन। ज्यादा फीस मांगने पर ट्रोल हुई करीना कपूर, द फैमिली मैन 2 की एक्ट्रेस ने किया सपोर्ट। सचिन तेंदुलकर ने किया तूफान का रिव्यू, फरहान अख्तर के किरदार को लेकर कही कई बातें। इंडियन आइडल 12 में परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पर पवनदीप राजन भूले गाने के बोल, कहीं हो ना जाए शो से बाहर।
रूबीना दिलैक के फैंस के लिए खुशखबरी, जल्द ही बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रही हैं एक्ट्रेस। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में, फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी।